Hi everyone. Today we are going to cover current affairs for April 2022 for any competitive exam purpose. Right? I am creating this video so that I can come back to it later and have a quick revise before the exam. Right? So let's start with the awards. Okay. So first of all, before starting, one more thing I want to mention is that this PDF I have taken from a WhatsApp group and I have not made it by myself, right? So I hope any copyright strike won't be taken against this video, which will have 30 to 40 viewers. So keeping that in mind, let's get started. So, current affairs of April 2022. Let's start with the awards. So, the first recipient of Lata Dinanath Mangeshkar Award, instituted in the memory of legendary singer Sri Lata Mangeshkar, Sri Narendra Modi. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लता दीनानाथ मंगेशकर जीता है, जो इसी साल फर्स्ट टाइम दिया गया था अप्रैल में. सेकेंड पॉइंट इज इंडियन ओरिजिन सॉन्ग राइटर एंड सिंगर हुज एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन द बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी, फाल्गुनी शाह. तो फाल्गुनी शाह है, इन्होंने जो है ये है एक इंडियन ओरिजिन सॉन्ग राइटर एंड सिंगर, और इनका कोई एल्बम है अ कलरफुल वर्ल्ड. ये ग्रैमी अवार्ड जीता है किस कैटेगरी में? इन दी बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी, फाल्गुनी शाह. ऑल राइट, नेक्स्ट है द इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट हुज एल्बम डिवाइन टाइड्स हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज एल्बम, रिकी केज. तो ये हमारे इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट है रिकी केज भैया, जिनका एल्बम डिवाइन टाइड्स ग्रैमी अवार्ड जीता है किस कैटेगरी में? बेस्ट न्यू एज एल्बम. ओके, नाउ लेट्स हैव अ क्विक रिवाइज. हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लता मंगेशकर अवार्ड जीता है अप्रैल में. फाल्गुनी शाह, जो कि एक इंडियन ओरिजिन सॉन्ग राइटर है, उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में. हमारे रिकी केज भैया, जो कि इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड एनवायरमेंटलिस्ट है, उनका एल्बम था डिवाइन टाइट्स, जिसको ग्रैमी अवार्ड मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स क्विकली जंप टू द पर्सन सेक्शन. तो द जनरल ऑफिसर फॉर्म कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हु हैज टेकन ओवर एज द 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम जनरल MM नरवाने, PVSM, AVSM, SM, VSM, ADC, जनरल मनोज पांडे, PVSM, AVSM, VSM. ओके, तो द जनरल ऑफिसर फॉर्म कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स हु हैज टेकन ओवर एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फ्रॉम जनरल, ये MM नरवाने जो है ये पहले थे किस डेसिग्नेशन में? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. ओके, सो ये डेसिग्नेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए है इलेक्ट नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिलेक्ट हुए हैं जनरल मनोज पांडे, और उनके पहले थे नवराने, MM नवराने. ओके, MM नवराने से जनरल मनोज पांडे हुए हैं. उसके बाद द यूएस बिजनेस मैग्नेट हु हैज टेकन ओवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर फॉर US 44 बिलियन. ये तो भैया मतलब सोशल मीडिया में हर जगह है, तो ये तो पता होगा. तो इलॉन मास्क हमारे जो भैया है, वो 44 बिलियन डॉलर्स में ट्विटर खरीद लिया है.
फिर द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ श्री राजीव कुमार श्री सुमन के बेरी. ओके, द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हु हैज बीन अपॉइंटेड फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ श्री राजीव कुमार श्री सुमन के बेरी. तो हमारे नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन जो है वो है श्री सुमन के बेरी. उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? श्री राजीव कुमार को. द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग हु हैज बीन चोजन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द फॉर्मर पीएम इमरान खान लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस वोट मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ. ओके, तो हमारे नहीं हमारे नहीं हमारे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ. तो जल्दी से एक बार पर्संस वाले सेक्शन को क्विक रिवाइज करते हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एमएम नरवाने से बने जनरल मनोज पांडे, और 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये, एमएम नरवाने से मनोज पांडे. ओके, इलॉन मास्क जी ने 44 बिलियन डॉलर से ट्विटर का टेक ओवर किया है. उसके बाद नीति आयोग के नए वाइस चेयरमैन बने श्री सुमन के बेरी. किसको रिप्लेस किया? श्री राजीव कुमार. और फिर पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ. और पहले किसको रिप्लेस किया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को. डिफेंस की बात करते हैं. द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी फॉर ट्रांस शिपमेंट ऑफ क्रिटिकल मेडिकल एड टू श्रीलंका इज नेम्ड मिशन सागर 9. भारत से इंडियन नेवी के द्वारा जो पाकिस्तान के सॉरी पाकिस्तानी श्रीलंका के खराब समय के दौरान खराब आर्थिक स्थिति के दौरान जो क्रिटिकल मेडिकल एड सप्लाई करने की मिशन है उस मिशन का नाम है मिशन सागर 9. ओके, द रैंक ऑफ इंडिया इन मिलिट्री स्पेंडिंग अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपड़ी रिपोर्ट टाइटल्ड ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 थर्ड बिहाइंड यूएस एंड चाइना. ओके, तो इंडियन मिलिट्री का जो स्पेंडिंग है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन है सिपड़ी उसके अकॉर्डिंग थर्ड हमारे मिलिट्री इंडियन मिलिट्री के एक्सपेंडिचर्स को थर्ड रैंक किया है. ओके, द सिक्स्थ एंड लास्ट सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवीज कलवरी क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 लॉन्च्ड एट द कनौजी आंगड़े वेट बेसिन ऑफ माजागोन डॉक लिमिटेड इज नेम्ड INS बक्सीर. सिक्स्थ एंड लास्ट सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवीज कलवरी क्लास सबमरीन सब प्रोजेक्ट 75 लॉन्च्ड एट द कनौजी अंग्रेज वेट बेसिन ऑफ MDL इज नेम्ड INS बक्शीर. ओके, सो हमारे इंडियन नेवी के जो 75th कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और उसमें छठवा और लास्ट सबमरीन जो लॉन्च किया है MDL ने उसका नाम है INS बक्शीर. प्लेसेस, अब प्लेसेस की ओर चलते हैं. उसके पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेंगे डिफेंस सेक्शन को. श्रीलंका को इंडियन नेवी की तरफ से जो मेडिकल एड दिया हुआ है उस मिशन के नाम है मिशन सागर 9. देन मिलिट्री एक्सपेंडिचर को थर्ड रैंक किया गया है. देन कोई प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का उसमें प्रोजेक्ट उसमें सिक्स्थ और लास्ट सबमरीन लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से और उसका नाम है INS बक्शीर. देन प्लेसेस को की ओर चलते हैं.
तो प्लेसेस में पहला है, द कंट्री विच हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जस्ट अहेड ऑफ अ वोट टू सस्पेंड इट्स मेंबरशिप, रशिया। क्या किया है, कोई कंट्री विच हैज डिसाइडेड टू विदड्रॉ फ्रॉम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन जस्ट अहेड ऑफ अ वोट टू सस्पेंड इट्स मेंबरशिप। हमारे जो रशिया, हमारे नहीं, जो रशिया देश है उसने क्या किया है, उसने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना मेंबरशिप है वो खो दिया है। क्यों? क्योंकि उसने खुद विड्रॉ कर लिया है अपने आप को, राइट? तो रशिया यूएन, यूनाइटेड नेशंस, तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का अब हिस्सा नहीं है क्योंकि वो अप्रैल में अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। उसके बाद, द यूरोपियन कंट्री विच हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू सस्पेंड इट्स वैक्सीनेशन कैंपेन साइटिंग हाई वैक्सीनेशन रेट एंड रिडक्शन इन नंबर ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। ओके, वो यूरोपियन देश जो पूरे विश्व का पहला देश है जिसने अपने वैक्सीनेशन कैंप को, कैंपेन को सस्पेंड कर दिया है, ये कहते हुए कि उनका जो वैक्सीनेशन रेट है और वो काफी ज्यादा है और जो नए इन्फेक्शंस के रेट है वो काफी कम है। तो मतलब सीधा सीधा बात, डेनमार्क ने, डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जो दुनिया का पहला देश है जिसने वैक्सीनेशन कैंपेन को सस्पेंड कर दिया है अप्रैल में। ओके, नेक्स्ट इज द वेन्यू ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 डिक्लेयर्ड ओपन बाय द वाइस प्रेसिडेंट श्री वेंकैया नायडू ऑन 24/4/2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का जो वेन्यू है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब वेंकैया नायडू ने 24/4/2022 को खोल दिया है बेंगलुरु में, राइट? उसके बाद जो लोकल प्लेस है वो है द प्लेस इन असम एट विच ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज कमीशन इंडियाज फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 10 kg पर डे, जोरहाट। असम का वो जगह जहाँ पे ओआईएल बोल के जो कॉरपोरेशन है उसने इंडिया का पहला 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट खोला है जिसमें 10 kg per day की कैपेसिटी रखता है ये पायलट प्लांट, हाइड्रोजन पायलट प्लांट, वो जोरहाट में खोला गया है। ओके, यूनियन टेरिटरी विच हैज लॉन्च द जन निगरानी ऐप इंटेंडेड टू हेल्प पीपल लॉज देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन, जम्मू एंड कश्मीर। वो यूनियन टेरिटरी जिसने, जहाँ पे जन निगरानी ऐप खोला गया है सो दैट पीपल कैन लॉज देयर कंप्लेंट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स ऑनलाइन। कोई ऑनलाइन स्कीम में, कोई ऑनलाइन स्कीम के लिए जो कोई शिकायत होगा वो दर्ज करने के लिए एक ऐप खोला है, जन निगरानी ऐप। वो कौन सी यूनियन टेरिटरी ने खोला है? जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर। ऑल राइट, द वेन्यू ऑफ 3-day ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एम्प इनोवेशन समिट 2022 इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में। तो 3 दिन का जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एम्प है, सॉरी इन्वेस्टमेंट कैंप है, वो इनोवेशन समिट 2022 के लिए जो 3 दिन का ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट कैंप है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया गांधीनगर में। ऑल राइट, द प्लेस इन गुजरात वेर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मॉरिशियस
मिस्टर प्रवीण कुमार जुगनाथ एंड डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, डायरेक्टर जनरल WHO जामनगर. क्या किया गया? द प्लेस इन गुजरात वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO GCTM वाज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस द प्रवीण कुमार जुगनाथ एंड डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, डायरेक्टर जनरल WHO जामनगर में. गुजरात के जामनगर में जो GCTM है उनका फाउंडेशन स्टोन खोला गया. GCTM का फाउंडेशन स्टोन गुजरात के जामनगर में खोला गया. उसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जुगनॉथ जी मौजूद थे. गुजरात जामनगर. ऑल राइट. तो नेक्स्ट है हमारा द प्लेस इन गुजरात वेर अ 108 फीट स्टैचू ऑफ हनुमान वॉज इनॉग्रेटेड बाई दिस प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेशन ऑफ हनुमान जयंती ऑन 16/4/2022 मौरवी. गुजरात का वो जगह जहाँ पे हनुमान जी का 108 फीट स्टैचू इनॉग्रेट किया गया था श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और उस जगह का नाम है मौरवी. मौरवी. नेक्स्ट है द प्लेस इन झारखंड वेर अ रोप वे एक्सीडेंट क्लेम द लाइव ऑफ 2 पर्सन वाइल 35 अदर्स वर रेस्क्यूड बाई द इंडियन एयरफोर्स टीम. देवघर. तो देवघर में क्या हुआ? झारखंड के देवघर में वहां पे एक रोप वे का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की जाने गई और 35 लोगों को उद्धार किया गया IAF के द्वारा देवघर में, झारखंड के देवघर. द स्टेट इन विच माधवपुर फेयर हेल्ड फ्रॉम रामनवमी वॉज इनोग्रेटेड बाई द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. माधवपुर का मेला जहाँ पे हेल्ड किया गया था गुजरात में, और इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया था? श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा. फिर आता है द कंट्री विच हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बाई रेजोल्यूशन विच वॉज अडोप्टेड विद 93 वोट्स इन फेवर, 24 अगेंस्ट एंड 558 एब्सटेंशन इंक्लूडिंग इंडिया. रशिया. तो रशिया भाई साहब को यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के द्वारा सस्पेंड किया गया था. द प्लेस इन न्यू दिल्ली वेयर योगा महोत्सव वाज ऑर्गेनाइज बाय यूनियन आयुष मिनिस्ट्री ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022. रेड फोर्ट. नई दिल्ली का वो जगह जहाँ पे योगा महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? यूनियन आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, रेड फोर्ट में. फिर आता है द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश वर 9th एडिशन ऑफ इंडिया कायर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वाज हेल्ड फ्रॉम 25th मार्च 2022 टू 6th अप्रैल 2022. बकलो. हिमाचल प्रदेश का वो जगह जहाँ पे 9th एडिशन ऑफ इंडिया कायर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हेल्ड किया गया था 25 मार्च 2022 से लेके 6 अप्रैल 2022 तक. वो जगह है बाकलोल, और कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में. क्या किया गया था? 9th एडिशन ऑफ इंडिया कारगिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हेल्ड किया गया था. फिर लास्ट हमारा प्लेसेस में आता है द प्लेस एट विच द ग्रैंड फिनाले ऑफ 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव वॉज हेल्ड ऑन 3rd अप्रैल 2022 हैदराबाद. राष्ट्रीय 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हेल्ड किया गया था 3rd अप्रैल 2022 हैदराबाद में. ऑलराइट. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे प्लेसेस को. वो देश जिसने अपने आप को विदड्रॉ कर लिया है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से, रशिया. द यूरोपियन वो दुनिया का पहला देश जिसने वैक्सीनेशन कैंपेन को उठा लिया है, सस्पेंड कर दिया है, वो देश है डेनमार्क. कहाँ पे है? किस कंटिनेंट में है? यूरोप में. फिर खेलो इंडिया 2021 का इनॉग्रेट का जो वेन्यू है उसको इनॉग्रेट किया गया बेंगलुरु में किसके द्वारा? वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट जी के द्वारा. फिर असम में कोई जगह है जोरहाट जहाँ पे इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कमीशन किया गया जो 10 kg/day ऑपरेट कर सकता है. फिर वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो ऑनलाइन के किसी शिकायत
को दर्ज कर सके, जम्मू एंड कश्मीर है। फिर वो वेन्यू जहाँ पे 3 दिन ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट कैंप इनोवेशन समिट इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। फिर जो जो GCTM बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे WHO का फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेट किया गया, और वहाँ पे हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशियस मिस्टर प्रणव कुमार जुगनाथ भी मौजूद थे। वो जामनगर है, गुजरात के जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया। फिर 108 फीट हनुमान जी का जो स्टैचू है वो इनोग्रेट किया गया गुजरात के मोरबी में। फिर जो है एक झारखंड के देवघर के नाम का एक जगह है, वहां पे रोपवे का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 लोगों की जाने गई और 35 लोग जख्म हुए। फिर माधवपुर मेल का मेला हेल्ड किया गया गुजरात में। फिर वो कंट्री जो सस्पेंड किया गया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा, वो रशिया है। फिर नई दिल्ली का वो जगह जहाँ पे यूनियन आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा योगा महोत्सव हेल्ड किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, वो है रेड फोर्ट। फिर द प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, वो हिमाचल प्रदेश का वो जगह जहाँ पे 9th एडिशन ऑफ इंडिया किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हेल्ड किया गया, वो है बकलो, हिमाचल प्रदेश बकलो। और फाइनली वो जगह जहाँ पे 12th एडिशन ऑफ राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हेल्ड किया गया ऑन 3rd अप्रैल 2022, वो है हैदराबाद। फाइन, देन वी कम टू स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में द टीम विच हैज वॉन 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप बीटिंग तमिलनाडु इन द फाइनल्स एट भोपाल हरियाणा, वो टीम जिसने 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप को तमिलनाडु की टीम को बीट किया है। अच्छा, हरियाणा का जो टीम है उसने 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता है, किसको बीट करके, तमिलनाडु को बीट करके। फिर जो है हमारे उलान बतार मंगोलिया है। द वेन्यू ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड फ्रॉम 19 to 24 अप्रैल 2022 विथ इंडिया ग्रैबिंग 17 मेडल्स एंड स्टैंडिंग एट 5th पोजिशन। तो उलान बतार मंगोलिया एक जगह है जहाँ पे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड किया गया था 19 से 24 अप्रैल 2022 तक, जहाँ पे इंडिया ने 17 मेडल ग्रैब किए और 5th पोजिशन पे आया। ओके, सो स्पोर्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप है वहाँ पे हरियाणा जीत गई तमिलनाडु को बीट करते हुए। फिर उलन बतार मंगोलिया नाम की कोई जगह है जहाँ पे एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड किया गया था, जहाँ पे इंडिया ने 17 मेडल्स ग्रैब किए और 5th पोजिशन पर आए। उसके बाद आते हैं थीम्स पे। सो थीम्स का क्या है, द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व फ्रॉम 24th to 30th अप्रैल, इसका थीम है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। ओके, द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व फ्रॉम 24th to 30th अप्रैल 2022, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है जो 24 से 30 अप्रैल होल्ड किया गया, उसका थीम था लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, सब लोग लंबा जीवन जिए। फिर द थीम ऑफ द लार्जेस्ट क्विज प्रोग्राम सबका विकास महाक्विज ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 14 to 28 अप्रैल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये थीम है। तो ये थीम किसका थीम है, लार्जेस्ट क्विज प्रोग्राम सबका विकास महाक्विज ऑर्गेनाइज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका थीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
फिर कुछ मिसलेनियस आता है। द एयरलाइंस विच हैज लॉन्च द फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया डोर्नियर 228 बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड पासीघाट, अलायंस एयर। वो एयरलाइंस जिसने पहला कमर्शियल फ्लाइट ऑफ मेड इन इंडिया डोर्नियर 228, इसका नाम है इस कमर्शियल फ्लाइट का, जो डिब्रूगढ़ और पासीघाट के बीच चलता है, उसका नाम है अलायंस एयर। ये इस एयरलाइंस ने इंडिया का पहला मेड इन इंडिया कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेट किया, लॉन्च किया, जो सॉरी डिब्रूगढ़ और पासीघाट के बीच में चलता है। फिर जो है, द नेम गिवन टू अ ट्यूलिप ब्रीड टू सिंबलाइज द स्पेशल एंड एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड नीदरलैंड्स ड्यूरिंग द इंडियन प्रेसिडेंट्स विजिट टू क्यू कैन होप ट्यूलिप पार्क इन एम्स्टरडेम, मैत्री। कोई ट्यूलिप है, गुलाब का चारा, जिसको मैत्री नाम दिया गया, किसको याद रखते हुए? इंडिया और नेदरलैंड्स की दोस्ती को याद रखते हुए। फिर जो है, द एनवायरमेंट अवेयरनेस मास्कट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट टू स्प्रेड मास अवेयरनेस अबाउट हाउ एडॉप्शन ऑफ स्मॉल चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल कैन प्ले बिग रोल इन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इज नेम्ड प्रकृति। तो कोई एनवायरमेंट अवेयरनेस मास्कॉट है जो गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, किसके लिए? मास अवेयरनेस फैलाने के लिए, कि कैसे छोटे छोटे हमारे जिंदगी के जो बदलाव है वो एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, और उसका नाम है प्रकृति। फिर जो है, द रेड फोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फ्रॉम 25 मार्च टू 3 अप्रैल 2022 बाय यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री एंड डालमिया भारत ग्रुप बस नेम भारत भाग्य विधाता। ओके, सो द रेड फोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज फ्रॉम 25 मार्च टू 3 अप्रैल बाई यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री एंड डालमिया भारत ग्रुप बस नेम। तो रेड फोर्ट में कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया 25 और 3 अप्रैल के बीच में, 25 मार्च और 3 अप्रैल के बीच में, किसके द्वारा? यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री और डालमिया भारत ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। ओके, उसके बाद हम लोग सीधा चलते हैं 2022 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में। तो ये हेल्ड कब किया गया था? 4 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक। 4 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2022 तक कहाँ पे होस्ट किया गया था? न्यूजीलैंड में। टीम्स कौन कौन से पार्टिसिपेट किए? एट एट टीम्स में पार्टिसिपेट किए, नेमली ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। ये 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया, 7th टाइटल, ऑस्ट्रेलिया का 7th टाइटल है। रनर्स अप कौन हुआ? इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिसा हेली। मोस्ट रन्स एलिसा हेली। मोस्ट विकेट्स सोफी एक्लिस्टन। वेन्यू ऑफ द फाइनल मैच क्राइस्ट चर्च। वाइस डेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जसप्रीत बुमराह इंडिया, डिवोन कॉनवे न्यूजीलैंड, ऑली रॉबिन्सन इंग्लैंड, रोहित शर्मा इंडिया, डैन वान नीकर्क साउथ अफ्रीका। ये वाइस डेंस क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 है। ओ फाइन, तो उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022, तो उसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर कौन है? मार्क्स वेरस्टैपेन फॉर मोटर रेसिंग, जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर जो है एलिन थॉम्सन हेरा है, जो एथलेटिक्स के उनका वो है, उनका डोमेन है, और वो जमाइका से बिलोंग करती है। फिर आता है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर इटलीज मेंस फुटबॉल टीम। तो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो है वो इटली का मेंस फुटबॉल टीम है। उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर एमा रोडू कानू है, जो टेनिस उनका डोमेन है, और वो यूके से बिलोंग करती है। तो उसके बाद लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन, जो कि स्केटबोर्डिंग उनका डोमेन है, और वो यूके के निवासी है। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड एंड सोसाइटी रियल मैड्रिड फाउंडेशन स्पेन।
लॉरियस स्पोर्ट गुड फॉर सो गुड लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड एंड गुड फॉर गुड सोसाइटी। लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड सोसाइटी रियल मैड्रिड फाउंडेशन को मिला, जो कि स्पेन में है। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट टॉम ब्रैडी को मिला, जो कि अमेरिकन फुटबॉल से रिलेटेड है और वो यूएसए के बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट जो टॉपिक बचता है वो है इम्पोर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल। सो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आता है 2 अप्रैल 2022। थीम उसका है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, डिजिग्नेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2008। फिर उसके बाद आता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 4 अप्रैल 2022, डिजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। थीम है उसका सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप सेफ होम, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2006। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जो कि 6 अप्रैल को ऑर्गेनाइज किया गया था, डेसिग्नेटेड बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फर्स्ट ऑब्जर्व 2014। थीम सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि 7 अप्रैल, ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2022, डिजिग्नेटेड बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1950। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 2022, डिजिग्नेटेड बाई यूएन जनरल असेंबली, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2011। उसके बाद आता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल 2022, डिजिग्नेटेड बाई वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया। थीम है उसका एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1989। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, दैट इज वर्ल्ड हेरिटेज डे, सीधे शब्दों में वर्ल्ड हेरिटेज डे, 18 अप्रैल 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया, डेसिग्नेटेड है यूनेस्को के द्वारा। थीम है उसका हेरिटेज और क्लाइमेट, और फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1983 में। उसके बाद आता है इंटरनेशनल मदर्स डे, मदर अर्थ डे 22 अप्रैल 2022 को, डेजिग्नेटेड बाई यूएन जनरल असेंबली। थीम है उसका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2010। नोट नोट किया दिया है, अर्थ डे वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1970 इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट वेंट ग्लोबल इन 1990। द सेम डे वॉज अडॉप्टेड बाई द यूएन इन 2009 एज द इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है, तो 1990 में सॉरी 1970s में 1970 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अर्थ डे ऑब्जर्व किया था, और उसको वो जब ग्लोबल हुआ 1990 में, उसी दिन को यूएन ने इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बना दिया 2009 में। उसके बाद यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल 2022 को, फर्स्ट डिजिग्नेटेड बाय यूएन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2010। उसके बाद वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल 2022, डिजिग्नेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2007। थीम है उसका हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। उसके बाद आता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल 2022, डिजिग्नेटेड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2000। थीम है उसका आईपी एंड यूथ इनोवेशन, इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल 2022, डेजिग्नेटेड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2003। थीम है उसका एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव सेफ्टी एंड हेल्थ कल्चर। ओके, सो हमारा नेक्स्ट आता है इंडियन वुमेन इन द लिस्ट, हुडुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। तो हमारे ये जो लिस्ट है हुडुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, इसमें इंडियन वुमेन जो लिस्ट में है, सो 10वें नंबर पे है फाल्गुनी नायर,
जिनका कंपनी है नाइका। फिर 25th नंबर पे है राधा वेम्बू, जिसका कंपनी है जोहो। देन 26th नंबर पे किरण मजूमदार शाओ, जो कि है बायोकॉन कंपनी, बायोकॉन कंपनी चलाती है। फिर उसके बाद ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022, जो नंबर 1 पे है हमारे बिलियनर साहब, वो है इलॉन मस्क। नंबर 2 पे है जेफ बेजो। नंबर 3 पे है बेनर्ड अर्नोल्ड। नंबर 4 पे है बिल गेट्स। नंबर 5 पे है वॉरेन बफे। और नंबर 10 पे है गौतम अदानी। ये हमारे शायद इंडियन है, इंडियंस है। तो 10 नंबर 10 पे है गौतम अदानी। 11th पे है मुकेश अंबानी। 36th पे है अजीज प्रेम जी। 45th पे है शिव नदर। और 73rd पे है राधा कृष्णन दमानी। फाइन, सो दिस एंड्स आवर करंट अफेयर्स फॉर द मंथ अप्रैल इन 2022, जहाँ पे हमने अवार्ड्स पढ़ा। जो इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए उसमें से लता मंगेशकर अवार्ड गए श्री नरेंद्र मोदी को। फिर ग्रैमी फॉर द चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी गए फाल्गुनी शाह जी को। जो ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम है वो गए रिकी केज को। फिर हमने पढ़ा पर्सन्स, इम्पोर्टेंट पर्सन, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ MM नवराने से जनरल मनोज पांडे हुए। उसके बाद इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया 44 बिलियन डॉलर से। फिर नए वाइस चेयरमैन नीति आयोग के अपॉइंट हुए श्री सुमन के बेरी फ्रॉम श्री राजीव कुमार। देन पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो है मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ फ्रॉम इमरान खान। डिफेंस में जो नए नया जो श्रीलंका को इंडियन नेवी के द्वारा एड पहुंचाया गया, उसका नाम है मिशन सागर 9। उसके बाद जो है इंडिया का जो मिलिट्री स्पेंडिंग में रैंक किया गया वो है 3rd। किसके द्वारा किया गया? सिपरी के द्वारा। फिर इंडिया का 6th और लास्ट सबमरीन ऑफ द इंडियन नेवी कलवरी क्लास सबमरीन प्रोजेक्ट 75 जो है उसका नाम क्या है? INS बख्शीर। जो फिर जगह में हम लोग आए, जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को विड्रॉ कर लिया रशिया, वो कंट्री जिसने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीनेशन कैंपेन को विड्रॉ कर लिया, डेनमार्क। फिर खेलो इंडिया का वेन्यू कहाँ पे? बेंगलुरु। फिर ऑयल OIL कॉरपोरेशन ने जहाँ पे 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट आविष्कार किया, वो है आसाम का जोरहाट। फिर वो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे जन निगरानी ऐप लॉन्च किया गया ऑनलाइन ऑनलाइन शिकायतों को दर्ज करने के लिए, वह जम्मू कश्मीर। फिर 3 दिन का जो ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट कैंप है वो कहाँ पे हेल्ड किया गया? गांधीनगर में। फिर गुजरात के जो गुजरात में कहीं पे फाउंडेशन स्टोन ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया, वो कहाँ पे? जामनगर में। फिर गुजरात में 108 फीट हनुमान जी का स्टैचू बनाया गया, कहाँ पे? मोरबी में, जो कहाँ पे है? गुजरात में। झारखंड में एक रोपवे एक्सीडेंट हुआ जहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई, कहाँ पे? देवगढ़ में। और फिर माधवपुर का मेला कहाँ पे लगाया है? गुजरात में। फिर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में जिसको सस्पेंड किया गया रशिया को। नई दिल्ली का वो जगह जहाँ पे योगा महोत्सव खोला गया, योगा महोत्सव हेल्ड किया गया यूनियन आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा, वो है रेड फोर्ट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का वो जगह जहाँ पे इंडिया कारगिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हेल्ड किया गया, वो है बकलो। फिर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हेल्ड किया गया हैदराबाद में। स्पोर्ट्स में हम लोग आए, वो टीम जिसने 12th सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीता तमिलनाडु को हराकर, वो है हरियाणा।
एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 हेल्ड किया गया 19 से 24 अप्रैल। इंडिया 17 मेडल उठाई और 5th पोजीशन लाए वहाँ पे हमारा देश। कहाँ पे वो वेन्यू है? उलान बतार, मंगोलिया। फिर थीम्स में हम लोग आए जहाँ पे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया गया लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में, जिसका थीम था लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। फिर एक क्विज हेल्ड किया गया, सबका विकास महाक्विज, जिसका थीम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। फिर कुछ मिसलिनियस हमने पढ़ा कि कोई जो पहला कमर्शियल एयरलाइन लॉन्च किया गया मेड इन इंडिया, वो कौन सी कंपनी है? अलायंस एयर। फिर इंडिया और नेदरलैंड्स की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए एक ट्यूलिप के ब्रीड को रिनेम किया गया, क्या नाम दिया गया? मैत्री। उसके बाद एनवायरनमेंट अवेयरनेस मैस्कट लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा मास अवेयरनेस फैलाने के लिए, उसका नाम क्या नाम है? प्रकृति। रेड फोर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री और डालमिया भारत ग्रुप के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया, तो उस फेस्टिवल का नाम था भारत भाग्य विधाता। फिर हम आए आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में, तो ये 4 मार्च से 3 अप्रैल को हेल्ड के बीच में हेल्ड किया गया था। होस्ट कंट्री था न्यूजीलैंड, 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट किया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज। विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन रहा? इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज एलिसा हेली। मोस्ट रन्स एलिसा हेली। मोस्ट विकेट्स सोफी एक्लिस्टन। वेन्यू ऑफ द फाइनल मैच क्राइस्ट चर्च। फिर हम आए विजडन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर में, जहाँ पे पहला नंबर पे हमारे जसप्रीत बुमराह बॉलर जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, फिर देवन कॉनवे न्यू जीलैंड से बिलोंग करते हैं, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, रोहित शर्मा इंडिया से बिलोंग करते हैं, डैन वैन नीकर्क साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। फिर हमारे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में, तो वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टैपेन मोटर रेसिंग, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉमसन हेरा एथलेटिक्स जमाइका, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर इटली मेंस फुटबॉल टीम, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर इमा रेड राधुकनु टेनिस यूके, लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर स्काई ब्राउन्स फ्रॉम स्केटबोर्डिंग यूके, लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड सोसाइटी रियल मैड्रिड फाउंडेशन को गया स्पेन, जो कि स्पेन में है, लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट टॉम ब्रेडी को गया जो कि अमेरिकन फुटबॉल से एसोसिएटेड है और यूएसए से बिलोंग करते हैं। फिर हमने पढ़ा कुछ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अप्रैल, जहाँ पे वर्ल्ड ऑटिज्म डे 2 अप्रैल 2022 थीम है उसका इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। उसके बाद इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे 4 अप्रैल थीम है उसका सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम, डिजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। फिर आया हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 6 अप्रैल 2022 को, डिजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। थीम क्या था? सिक्योरिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल इंपॉर्टेंट, डिजिग्नेटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल 2022 को, डिजिग्नेटेड बाय यूएन जनरल असेंबली। फिर वर्ल्ड हेमोफीलिया डे 17 अप्रैल 2022 थीम था उसका एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल 2022 डिजिग्नेटेड बाय यूनेस्को थीम है उसका हेरिटेज एंड क्लाइमेट। फिर आता है हमारा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल 2022 थीम था उसका इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। फिर आता है यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे 23 अप्रैल, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल थीम क्या था? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ्स।
फिर आता है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 26 अप्रैल 2022। थीम क्या था उसका? आईपी एंड यूथ, इनोवेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, 28 अप्रैल 2022। थीम क्या था उसका? एक्ट टुगेदर टू बिल्ड अ पॉजिटिव एंड सेफ्टी हेल्थ कल्चर। ओके, सो हमारे हुडुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वेमेन में हमारे कुछ इंडियन वुमेन थे, जहाँ पे 10वीं थे फाल्गुनी नायर, जो कि नाइका कंपनी के फाउंडर है। 25th पे थे राधा भेम्बू, जो कि जोहो कंपनी के फाउंडर है। किरण मजुमदार शाओ, जो कि बायोकॉन कंपनी के फाउंडर है। फिर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में पहले 5 जो है, इलॉन मस्क, जेफ बेजो, बर्नर्ड अर्नोल्ट, बिल गेट्स, वॉरेन बफे और कुछ इंडियंस, जो कि गौतम अदानी 10वें नंबर पे, मुकेश अंबानी 11 नंबर पे, 36 नंबर पे अजीज प्रेमजी, 45 नंबर पे शिव नदर और 73rd नंबर पे राधा कृष्णन दमानी। तो इसके साथ हम सो विद दिस वी एंड आवर करंट अफेयर्स रिविजन ऑफ अप्रैल मंथ। आई विल मेक अ अनदर वीडियो टुमारो इन विच इट विल कंटेन द करंट अफेयर्स फॉर मे मंथ। सिमिलरली आई विल मेक करंट अफेयर्स वीडियो फॉर टिल नवम्बर दिस ईयर, एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज द वन वॉचिंग दिस। इफ यू हैव वॉच टिल दिस टाइम, यू डिजर्व अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग टिल द एंड। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे।